ओम शांति। आदि देवी जगदम्बा सरस्वती का परिचय। हमारे शरीरों को जन्म देने वाली लौकिक माता तो हरेक की अपनी अपनी है, और आत्मा की दृष्टि से हम सबके माता पिता एक निराकार पारलौकिक परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव हैं, जो हमारे लौकिक मात पिताओं के भी मात पिता हैं। लौकिक और पारलौकिक माता का तो सबको पता है, यद्यपि आज मनुष्यों को उस पारलौकिक मात पिता के नाम, स्वरूप, धाम, कर्तव्य इत्यादि के बारे में सत्य परिचय नहीं है, परंतु सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष के कल्प में एक समय वह भी आता है जब हमें अपनी अलौकिक माँ मिलती है। यह अलौकिक माता हमें कल्प में केवल एक ही बार और थोड़े से समय के लिए मिलती है। इनका ही नाम जगदम्बा आदि देवी माँ सरस्वती है। मम्मा का लौकिक नाम राधे था, उनके पिता का नाम पोकरदास और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम पार्वती था। उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी, और एक इनकी छोटी बहन थी जिसका नाम गोपी था। उनके पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे और देशी घी के थोक व्यापारी भी थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास और सिलोन में था। अचानक राधे के पिता की मृत्यु हो गई। सोने चांदी के व्यापार में और सट्टेबाजी में उनका इतना घाटा हो गया था कि वे एकदम खाली हाथ हो गए थे। इससे उनको हृदयघात हो गया। फिर राधे अपनी माँ और छोटी बहन गोपी के साथ सिंध हैदराबाद अपनी नानी और मम्मा के घर आ गई। वे अमृतसर से ही सिंध हैदराबाद गए थे। इस प्रकार मम्मा की लौकिक जीवन कहानी बताते हुए ब्रह्मा कुमारी दादी शांतामणि जी आगे बताती है कि हैदराबाद में दोनों बहनें स्कूल में दाखिल हो गई। राधे पढ़ाई में हमेशा नंबर वन थी, गाने में नंबर वन और डांस करने में भी नंबर वन थी। स्कूल में जब भी कोई स्पर्धा होती थी तो राधे को ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। राधे का मशहूर गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सफेद फ्राक और सिर पर टोपी पहनकर राधे डांस करती थी। लोग दंग रह जाते थे। राधे की हूबी थी कि बाजार में जो भी नए बढ़िया कपड़े आए सबसे पहले वही खरीदती थी। इतनी फैशन की शौकीन थी। फ्राक पर जो डिजाइन होती थी उसको राधे खुद अपनी बुद्धि से निकालती थी। वे अपनी बड़ी बहन पार्वती से कहती थी और पार्वती अपनी मामी रूपवंती से डिजाइन की फ्रॉक बनवाती थी। रोज राधे नई नई डिजाइन वाली फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती थी। राधे के बाल तो बहुत लंबे थे, साथ में वह बहुत सुंदर भी थी। राधे की छोटी बहन गोपी का रूप रंग भी राधे जैसा ही था।
स्कूल से उनके आते जाते समय लोगों की नजरें सहज ही उन पर पड़ती थी और वे अवाक रह जाते थे। राधे हैदराबाद के कुंदनमल मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पढ़ी। हमारी माँ और दादी की माँ सगी बहनें थीं। इनकी एक और बहन अर्थात दूसरी हमारी मौसी थी, उसका नाम ध्यानी था। उसके पति का भी देहांत हो गया था। वह भी हैदराबाद अपने पियर घर अर्थात मम्मा के घर आई गई। इस प्रकार उस घर में दो अपने पतियों को खोकर और तीन बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुखी थी। वे दो माताएं तो दुख से बहुत रोया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। हमारी माँ भी उनके घर जाकर प्रार्थना में उनका साथ देती थी। जब साहेब सुखमणि आदि पढ़कर सुनाती थी ताकि उनका दुख कम हो जाए और उनके मन को शांति मिल जाए। हमारी माँ उनके पास आया जाया करती थी तो उनको रोज बाबा की पत्नी जशोदा माता अपने घर की खिड़की से देखती थी। एक दिन रास्ते में जशोदा माता और हमारी माता की मुलाकात हो गई। उसने हमारी माँ से पूछा, आप रोज कहाँ जाती हो? हमारी माता जी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वे बहुत दुखी है, हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा, दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ, अनुभव करो और आपको अच्छा लगे तो उनको भी लेकर आना। उनके निमंत्रण पर हमारी माँ दूसरे दिन वहां गई। बाबा हाथ में गीता उठाकर उसके श्लोक पर समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है, जैसे कि आत्मा अमर अविनाशी है, मरती नहीं है। आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेती है, इसलिए रोने की दरकार ही नहीं है। यह सब आत्मा का खेल है आदि आदि। बाबा जब सत्संग शुरू करते थे तब भी ओम की ध्वनि लगाते थे और पूरा करते थे तो भी ओम की ध्वनि लगाते थे। ओम की ध्वनि सुनते ही सबको शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। इसी प्रकार हमारी माँ को भी यह अनुभव हुआ तो अगले दिन वह अपनी दोनों बहनों को लेकर बाबा के पास गई। बाबा से आत्मा का पूरा ज्ञान सुनने के बाद और शरीर से भिन्न होने का अनुभव करने के बाद ये दुखी माताएं बहुत खुश हो गई। सत्संग से घर लौटी हुई अपनी माँ और मासी के खिले हुए चेहरे देखकर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरे खुशनुमा है, खिले हुए है, वहां क्या मिला आपको? तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे, वे बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं। तुम स्कूल में तो गीता के बारे में पढ़ती ही होगी, तुम भी चलो, सुनने के बाद हमें भी उसका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे को भी अगले दिन सत्संग में लेकर गई। जब राधे को बाबा ने देखा तब उसी पल बाबा को लगा कि यह मेरी वारिस बेटी है और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि यह मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। बाद में बाबा जैसे लौकिक रीति से हालचाल पूछते थे वैसे राधे से पूछा, बेटी तुम क्या करती हो, कैसी हो आदि आदि। उस समय राधे की आयु करीब 17 वर्ष थी। घर में राधे की शादी की बात चल रही थी।
एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुमको पीताम्बर धारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से? इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करना है या शादी करके घर संभालना है? सोच विचार करके मुझे बताना। बाबा ने राधे को 24 घंटे का समय दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन राधे ने एक पल में ही भविष्य जीवन का फैसला ले लिया और उसी पल बाबा को उत्तर दिया, बाबा मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूँ। मैं इस ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूंगी। उसी दिन से लेकर बाबा राधे के ऊपर ज्ञान की वर्षा बरसाने लगे और ज्ञान का कलश भी रख दिया। राधे सत्संग में ओम की ध्वनि बहुत अच्छी करती थी। आने वाले ओम की ध्वनि से बहुत आकर्षित होते थे। इसके कारण सब उसको ओम राधे कहने लगे। बाबा भी ओम राधे कहने लगे। इस तरह राधे का नाम ओम राधे हो गया। ओम राधे बहुत सुंदर गाती थी। जब उसने ओम मंडली में आकर क्या देखा और क्या पाया यह गीत लिखकर गाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। बाबा रोज उनको एक गीत लिखकर देते थे और राधे उसे क्लास में गाकर सुनाती थी। जब ओम राधे गीत सुनाती थी तो सुनने वाले बहुत खुश होते थे और उनके दिल पर अमिट छाप लग जाती थी। धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया। उसमें माताएं भी आती थी तो कन्याएं भी आती थी। इसके बीच में बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चले गए। कश्मीर जाने के बाद बाबा रोज ओम राधे के नाम से और अन्य बहनों के नाम से पत्र भेजा करते थे। जिनके नाम से पत्र आते थे वे बहनें उन पत्रों को सत्संग में सुनाती थी। सत्संग में और वृद्धि होने लगी। एक दिन ओम राधे की छोटी बहन गोपी क्लास में बैठी थी। ओम की ध्वनि लगाते ही वह ध्यान में चली गई। उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया और वह उठकर डांस करने लगी। सत्संग में यह पहला साक्षात्कार था। इसके बाद सत्संग में आने वाले अन्य भाई बहनों को भी साक्षात्कार होने लगे। जब बाबा कश्मीर से आए तो उनको देखते ही गोपी को श्री कृष्ण दिखने लगा। उसी समय ओम राधे उसको श्री राधा दिखाई पड़ने लगी। तब वह दोनों को पकड़कर रास करने लगी। दिव्य दृष्टि की लीला अथवा पार्ट तब खुल गया। धीरे धीरे वहां आने वाले सब ध्यान में जाने लगे। श्री कृष्ण श्री राधा अथवा श्री नारायण श्री लक्ष्मी को देखने लगे और उनके साथ रास करने लगे। तब बाबा के मुकार विंद से निकली पवित्रता की बात। बाबा कहने लगे, बच्चे श्री कृष्ण की राजधानी वैकुंठ में जाना है तो पवित्र बनना पड़ेगा। जो कन्याएं थी उनको तो कोई समस्या न थी। जो गृहस्थी थी और जिनके पति व्यापारस्थ विदेशों में गए थे वे आए तो घरों में झगड़े होने लगे। पति कहने लगे कि हमें विकार रूपी विष चाहिए। पत्नी कहने लगी, हमने तो परमात्मा को वचन दिया है कि हम पवित्र रहेंगे, हम विष दे नहीं सकते। तो उनके पति सोचने लगे और आपस में बातें करने लगे कि आखिर यह कौन जादूगर आया है जो सबको श्री कृष्ण का दर्शन कराता है और उनको पवित्र रहने के लिए कहता है। फिर विरोध प्रदर्शन पैकेटिंग आदि शुरू हो गई। लेकिन
ओम राधे सत्संग संभालने का अपना कार्य निश्चिंत और अचल होकर करती रही। यह है सन 1936 की बात। कोई पूछता था तो बाबा कहते थे, मैं तो कुछ नहीं करता, यह सत्संग तो उन कन्याओं माताओं का है, सत्संग तो वो कराता है, ऊपर वाला आता है बोलकर चला जाता है, ऊपर वाला जैसे कहेगा मैं भी वैसे करने वाला हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ऐसे कहकर सबको ओम राधे की तरफ भेज देते थे। हमेशा बाबा ओम राधे को आगे रखते थे। गोपी का साक्षात्कार का पार्ट पूरे एक वर्ष तक चला। बाद में उसको टाइफाइड हुआ, हैदराबाद में उसने शरीर छोड़ दिया। तब बाबा ने सत्संग में जो भी माताएं कन्याएं आती थी उन सब को स्मशान घाट पर भेजा था। सिंध के इतिहास में यह पहली घटना थी, नहीं तो स्मशान घाट पर स्त्रियां नहीं जाती थी। शव यात्रा में इतनी सारी महिलाओं को देख लोग आश्चर्य खा रहे थे। अग्नि संस्कार का कार्य ओम राधे ने ही किया था। मम्मा 17-18 साल की कन्या थी, लेकिन सब उसको मम्मा माँ कहते थे। बाबा भी कभी मम्मा कहते, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा बेटी दोनों कहते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बन गई। धीरे धीरे उनके शरीर में भी इस नाम के अनुसार परिवर्तन आ गया। इस बारे में बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मल शांताजी कहती है, बाबा ने ही मुझे मम्मा के पास रखा था, मम्मा ही मेरी संभाल करती थी। मैं छोटी होने कारण बाबा ने सोचा होगा कि इसको लौकिक माँ की याद न आए, इसलिए मम्मा के पास रखा। बाबा ने मुझे एक बार कहा, तुम्हारी पालना ओम राधे करती है, इसलिए यही तुम्हारी मम्मा है। तब से मैं ओम राधे को मम्मा कहने लगी। तब तक सब उनको ओम राधे ही कहते थे। मैंने ही सबसे पहले मम्मा नाम से पुकारना प्रारंभ किया। उसके बाद सब ओम राधे को मम्मा कहने लगे। दिन प्रतिदिन सत्संग से वृद्धि होती चली गई, तो बाबा ने ओम राधे को इस सत्संग के लिए अवैतनिक संचालिका नियुक्त किया और उनके साथ 8 अन्य ज्ञाननिष्ठ माताओं और कन्याओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाकर अपनी समस्त धन और संपत्ति माताओं की समिति को अर्पित कर दी। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। बाबा की लौकिक पत्नी जशोदा माता भी मम्मा को मम्मा कहती थी और मम्मा की गोद में जाती थी। इनके बीच में बहुत अच्छे और अति मधुर संबंध थे, क्योंकि जब जशोदा माता मम्मा को देखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। उनका भी बाबा पर और बाबा के महावाक्यों पर दृढ़ निश्चय था। हमने मम्मा बाबा के साथ बहुत खेला घूमा, बहुत आनंद किया है। कराची में मम्मा बाबा और हम एक स्थान पर नहीं रहते थे, बाबा अलग और मैं और मम्मा एक स्थान पर। बाबा अपने स्थान पर रहकर
सलाह सूचना देते थे और मम्मा हमें बताती थी। हम सभी मम्मा के साथ रहकर सभी कार्य करते थे। जब आबू राजस्थान आए तो सब मिलकर रहने लगे। उस समय हम बाबा के संपर्क में ज्यादा रहे। आबू की ब्रज कोठी में मम्मा का तपस्या का पार्ट चला। वहां भी हमें दिव्य साक्षात्कार होते थे जिनसे बाबा हमें बहुत बहलाते थे। बिगरी पार्ट में मम्मा बाबा का जो पार्ट था वो आश्चर्यचकित करने वाला और अवर्णनीय है। उस समय मम्मा बाबा दोनों जब तक सभी बच्चे नहीं खाते तब तक कुछ नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थी। जैसे बाबा कहे, जो करने के लिए कहे वही करती थी और कराती थी। अगर बाबा नहीं है तो उनकी गैरहाजिरी में मम्मा अपना फैसला सुनाती थी। इतना बेहद सम्मान देती थी बाबा को। मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप मुझे बहुत प्यारा लगता था। लगता था कि श्री लक्ष्मी मेरी माँ है। मैं मम्मा को इसी नजर से नहीं देखती थी कि वह मेरी मौसी की लड़की है, मेरी बहन है, लेकिन उसको इस नजर से देखती थी कि यह मेरी माँ है, जगदम्बा है। मम्मा तो गुणों की खान थी, उसमें सब गुण विद्यमान थे। मुझे मम्मा का गंभीरता का गुण बहुत अच्छा लगता था। गंभीरता के साथ सहनशीलता और धैर्य, इन तीनों गुणों को मैं भी अपने जीवन में धारण करने का और व्यवहार में लाने का ध्यान रखती हूँ। तो मम्मा हमेशा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण को कहती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर, फॉलो ब्रह्मा फादर। तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है तो सदा शिव बाबा को ही याद करो, उसकी श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कभी शिव बाबा पर संशय नहीं आवो, संपूर्ण निर्विकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।